हेलो एवरीवन, आई नटवर सिंह वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम विजन। दिस इज द पार्ट टू ऑफ आवर सीरीज ऑफ पॉलिटी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाय द वे, पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो को आपने काफ़ी सारा प्यार दिया है और मैं उन्हीं 60 लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये वीडियो देखा है। चलो कुछ नहीं, पिछले वीडियो में क्या था कि थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम था और अभी नया नया स्टार्टिंग ही है, तो वी विल कंटिन्यू विद द पार्ट। और अगर ये आप ये वीडियो देख रहे हो तो पिछले वीडियो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज देगी, मतलब काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं जो आपसे इससे कनेक्टेड भी हैं। और स्टार्ट कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसका बेस बनाते हैं, तो इस वीडियो में थोड़ा सा उस वीडियो में पीछे वाले वीडियो में थोड़ा सा बेस बना हुआ है, तो आई विल रिकमेंड दैट यू शुड वॉच दैट प्रीवियस वीडियो पार्ट वन। सो टुडे दिस इज द पार्ट टू ऑफ द वीडियो। वी विल डिस्कस अबाउट द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पिछले वीडियो में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि भाई जो एक इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन कब बन चुका था, अब हम धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन के पास में पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाएंगे और पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इतनी मेहनत हुई है उसमें क्या क्या लिखा गया, क्या क्या चला गया। सबसे पहले आप देखें फीचर्स, मतलब इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। कुछ तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है अपना कि सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, तो हम कुछ स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल का आइडिया जो है ये था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ यूएस एंड समथिंग समथिंग दैट कंटिन्यूज। सेम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल लिया गया है। प्रीएम्बल मेनली क्या है, इट इज नोन एज इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस जो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या कह सकते हैं जिसको, ये उद्देश्य क्या है इसको हम क्या बोलेंगे एज ए प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल में काफ़ी चीज़ें हमको समझाई गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन निकल के आते हैं इस प्रीएम्बल से। इस प्रीएम्बल को हम अलग से पढ़ेंगे अगले वाले सेक्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मेनली क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है। देखो अब दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिटन एंड अनरिटन। कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ होता है कहीं, एक बुक होती है फिक्स जिसमें का जिसको हम कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई बुक्स नहीं है मेनली। जैसे एग्जांपल, जैसे जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इंडिया की यही एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये रिटन है। यूएस का भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, सो कंटिन्यूइंग विद द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इन द वर्ल्ड। देख लो कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी बात है कि भाई अपना इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब इसके काफ़ी मेन रीजंस है, पहले तो पॉपुलेशन है और काफ़ी ज्योग्राफिकल रीजंस है, और मेनली जो हमारी जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेनली किससे डिपेंड करता है, ब्रिटिश से। तो हमारे जो लीडर्स थे वो यही चाहते थे कि हर चीज़ एक स्पेसिफाई मैनर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो, ताकि क्या हो आगे जाके कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो इट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इन द वर्ल्ड। बट इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन स्टेट, अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। एक स्टेट है यूएस में, अलाबामा। अलाबामा एक स्टेट है यूएस में जिसका इंडिया से भी लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बट ये है क्या है, स्टेट है यूएस की, बट दिस इज इन कंट्री। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई ये जो स्टेट है यूएस की, इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? यस ऑफ कोर्स। अब जो यूएस में है, जो उसका जो सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है, और जो स्टेट्स का है वो अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलते हैं, ठीक है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलते हैं स्टेट्स। तो अलाबामा का क्या, अगर स्टेट के हिसाब से पूछें कि सबसे नॉर्मल क्वेश्चन हो कि कौन से सबका लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो हम क्या बोलेंगे, अलाबामा। बट अबाउट, इफ वी टॉक अबाउट द कंट्री देन इट इज इंडिया। इंडिया हैव द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सीबल। इसका मतलब क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा है। मेनली क्या है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं उसको हम अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर आवर नीड, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते एज पर आवर नीड। मतलब उनको चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट रह जाता है।
तो फ्लेक्सिबल का मतलब है क्या, कुछ कुछ ऐसे आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हम आराम से चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या गया, फ्लेक्सिबल। लेकिन कुछ ऐसे है एरियाज जहाँ पे हमको बहुत या फिर मशक्कत करनी पड़ती है, हाँ लगभग ना के बराबर चेंज होता है। अब इसमें मेन पॉइंट आता है कि जो चेंज होने के लिए हमारे पास क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिया गया है, ऑफकोर्स एक आर्टिकल दिया हुआ है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 कहता है कि अगर जरूरत के हिसाब से हमको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़े तो हम अमेंड कर सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 368 में क्या दिया हुआ है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इफ रिक्वायर्ड। ओके, तो दैट्स व्हाई इट कॉल्ड पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या है कि कोई भी यूथ हु इज 18 प्लस कैन वोट, वोट कर सकता है कोई भी यूथ जो 18 प्लस है। ये एक मतलब आपको वोट देने का अधिकार है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के। ये जो 18 प्लस है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन उठता है कि 18 की जो ये एज है, पहले इसकी 21 थी, अभी इसकी एज क्या है, 18 है। देखो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला था कि एज ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एज टू वोट इज 21, बट नाउ इट इज 18। तो किसी अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, ऑफकोर्स इट इज 61st अमेंडमेंट। Through the 61st amendment of Indian Constitution, we have changed the age of vote to right from 21 to 18. ये 61st amendment में क्या है? अभी आप अगर question rise करो, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आप question rise होगा, अभी तक भाई कितने amendment हो चुके हैं? तो total amendment अभी तक हाल फिलहाल में 104 है total. जब हमारा जो constitution था कब बना था? 1949 में बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर हमने पिछली बार पढ़ा था, और 26 जनवरी ने 1950 में हमने अडप्ट कर लिया था। इतनी देर में हमने 104 कॉन्स्टिट्यूशन 104 अमेंडमेंट्स हमने कर लिए। एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे हम, जो लार्जेस्ट नहीं, हमेशा यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हैव ओनली 7 आर्टिकल्स। ये एक फैक्ट की बात है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स है, क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि अभी जैसे बताया था अलबामा का क्या हुआ था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक सेंटर का अलग है और हर एक स्टेट का अलग है, तो स्टेट अपने हिसाब से चलती है और सेंटर उसके हिसाब चलता है, और उसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो छोटा हो गया। अब एक बात आती है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार अमेंड हुआ है, मतलब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को होंगे कम से कम 200 साल बने हुए, तो मेनली वो 15 या 16 बार ही अमेंडमेंट हुआ है। तो देख लो, दैट इज द रीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, इतना फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है कि हम चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से एज पर अवर नीड। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि हमारे जो सिटीजन्स को है कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इसको हम स्पेसिफिक अगर जब आर्टिकल्स का हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, आर्टिकल 1-2 लेके 395-470 तक जब पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सारे हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो पढ़ेंगे उसमें हम फंडामेंटल राइट्स भी आएंगे और उसमें ये सब हम कंटिन्यू कर देंगे फंडामेंटल राइट्स। ये भी एक स्पेसिफिकेशन है कि कुछ राइट दिए गए हैं सिटीजन ऑफ इंडिया को, जिसमें क्या होता है अगर ये राइट्स उसको नहीं मिलते तो वो ही कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर राइट्स को प्राप्त करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो कुछ टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है, एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडिया की क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब उसमें एक पार्लियामेंट है जो लॉ और लेजिस्लेचर जो भी चलाता है, लॉ जो चलाता है वो पार्लियामेंट ही चलाता है इन इंडियन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो चलाता है कौन चलाता है, पार्लियामेंट ही चलाता है। बट अगर हम एग्जांपल लेते हैं यूके का, यूके में मोनार्की है, जो लास्ट में जो साइन होता है जब रूल बनता है तो वो क्वीन का होता है, क्वीन एलिजाबेथ जो अभी है उसी का साइन होता है, तभी वो रूल पास होता है। तो इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी रूल अगर पास होता है सब डिस्कस होता है, लोकसभा राज्यसभा ये सब डिस्कस होके फिर प्रेसिडेंट के पास जाके साइन होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी का फायदा, इसी का रिजल्ट है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एक डायरेक्शन दिया गया, ऐसे प्रिंसिपल्स क्या जो स्टेट है अपनी पॉलिसी लोगों के लिए निर्धारण करे,
लोगों के लिए बनाए, कैसे कैसे कैसी पॉलिसी, मतलब एक स्टेट में रहने वाले एक आदमी को उसकी स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या जो पॉलिसी है वो किस हिसाब से बनाए, उसमें ये गाइडलाइंस दी गई है किनको, स्टेट्स को, ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब आर्टिकल्स आएंगे। ये मेनली क्या एक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कंटिन्यू टू नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आए, DPSP आए, तो ये क्या हमारे पास राइट्स है, तो हमारी एज ए सिटीजन कुछ ड्यूटीज बनती है जो हमको एज ए टू ए इंडियन टू ए टू इंडिया टू अवर कंट्री वी शुड फॉलो देम, तो कुछ ड्यूटीज भी दी गई हैं, इसके बारे में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे इन द अपकमिंग वीडियोज इफ यू कंटिन्यू, ओके। और एक मेन जो इसका जो फीचर है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहले क्या बोला गया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट रहेगी। सेकुलरिज्म मतलब, इसमें सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि इंडिया कोई भी एक स्पेसिफिक रिलीजन के हिसाब से रिलीजन को नहीं मानेगी, मतलब इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, जो भी सारे रिलीजन होगा इसको इक्वल मानेंगे, हिंदुइज्म, इस्लाम, कोई क्रिश्चियनिटी कुछ भी होगा वो क्या मानेंगे, सिर्फ सबको इक्वल मानेंगे एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए क्या हो गया, सेकुलरिज्म जो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं अपने ही पड़ोसी देश पाकिस्तान का, वो इस पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का अगर पूरा नाम बोले तो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बोलेंगे, अगर इंडिया का बोलेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो जो उसका फिक्स एक रिलीजन है पाकिस्तान का इस्लाम, बट इंडिया का कोई फिक्स रिलीजन नहीं है, एवरी रिलीजन को हम इक्वल मानते हैं एज दिस इज द एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। सिंगल सिटीजनशिप मतलब इंडिया के पास, इंडिया में जो भी इंडियन सिटीजन है उसके पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होगी, या फिर इंडिया की या फिर दूसरे देश की, मतलब अगर इंडिया में अगर कोई बंदा रहता है तो उसका ये जरूरी नहीं है कि उसके पास दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप हो, ये कोई अगर दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो इंडिया की अपने आप खारिज हो जाती है, मतलब अगर वो इंडियन है तो इंडियन ही रहेगा, मतलब कंटिन्यू करते हैं, जैसे कोई मराठी है यहाँ पे, मराठी, गुजराती, राजस्थानी या कोई नहीं है, या इंडियन है तो इंडियन रहेगा, तो इसका ही मतलब होता है सिंगल सिटीजनशिप। दैट्स ऑल, दैट्स द मेन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर्स के अगर हम कंटिन्यूशन में चले तो हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी कंट्री से हमने बोरो किया है, मतलब काफ़ी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडिया लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। तो इसके क्वेश्चन काफ़ी बन जाता है कि कौन सा पार्ट हमने कहाँ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कौन से पार्ट का आइडिया कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया गया है। सो तो कंटिन्यू विद दैट, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब क्या है कि जो हमने जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी सोर्सेज से ड्रॉ किया है, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और उसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ही थे। मेन पॉइंट है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ब्रिटिश के टाइम पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी जो अपना हाल फिलहाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ पार्ट इसी से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया, और कुछ पार्ट जो है हमने कोई डिफरेंट कंट्रीज से बोरो किया गया है, उनसे कोई आइडिया से बोरो किया गया, उसको ही हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको मेनली हमको रटना ही है और डिस्कस कर लेंगे तो क्या पता अपने दिमाग में बैठ जाए। सो कंटिन्यू विद द फर्स्ट पॉइंट, हमने मेन जो पॉइंट आ जाता है कि मेन जो कंट्री होती है जहां से हमने ज्यादातर पार्ट लिया वो दो आती है, USA और UK। कंटिन्यू विद द USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो फीचर्स था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो हमने बोरो कहां से किया था, USA से। देन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट, मतलब प्रेजिडेंट को उसके पद से हटाना कैसे है और क्यों हटाना है, इसका जो आइडिया है जो भी प्रोसेस है वो हमने कहाँ से लिया, USA से। जैसे अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस चला था जब वो प्रेजिडेंट थे, प्रेजिडेंट उनके वो इसमें एक फैक्ट है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके प्रेसिडेंट रहते हुए उनके ऊपर दो बार इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला था, एंड दैट्स ए फैक्ट, ये एक रिकॉर्ड है मतलब उनके हिसाब से, ठीक है। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किससे चला था हमने, USA से, तो उससे हम कनेक्ट करके याद करने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, मतलब किसी कारणवश अगर हमको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को रिमूव करना पड़े तो जो उसका प्रोसेस होता है उसका भी हमने आइडिया कहाँ से लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमने कहाँ से ली थी, USA के कॉन्स्टिट्यूशन के, वाइस प्रेसिडेंट, USA का वाइस प्रेसिडेंट जैसे अभी है कमला हैरिस,
जो इंडियन इंडियन से उनका थोड़ा सा रिलेशन भी है। तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कहाँ से ली थी? यूएसए से। ये बता रहा हूँ मैं, थोड़े फैक्ट बता रहा हूँ ताकि हम रिलेट कर सके और हमारे कुछ चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। ओके, कंटिन्यू विद द यूके। यूके से हमने क्या लिया? सिंगल सिटीजनशिप। मैंने ये पहले डिस्कस किया था कि जो यूके में है, जो इंडिया में है, अपने सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब एक ही सिटीजनशिप रख सकते हैं अगर आप इंडिया में हो तो। तो वो आइडिया हमने कहाँ से लिया था? यूके से। एंड कैबिनेट सिस्टम, जो भी हमारा सरकार बनती है बहुमत के साथ, जो भी सरकार बनती है उसमें एक कैबिनेट होता है पहले, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और फिर अलग अलग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज देते हैं अलग अलग, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्ट्री है, ये पूरा जो सिस्टम है कैबिनेट सिस्टम कहलाता है। ये वाला आइडिया भी हमने कहाँ से लिया था? यूके से। ये आइडिया लिखा यूके से। प्रेरोगेटिव रिट्स, कभी ये रिट्स का एक पूरा टॉपिक आएगा जो हम आप आगे डिस्कस करेंगे। ये हमने कहाँ से लिया था? यूके से। रिट्स शॉर्ट फॉर्म में हम समझ लेते हैं कि हमारे पास कुछ ये प्रोसेस दिया गया है रिट्स, जिससे हम अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सके ये रिट के द्वारा। ठीक है, ओके, कंटिन्यू। फिर ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था कंकरेंट लिस्ट एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है? देखो, देर आर टू थ्री लिस्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, थ्री लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट है वो रूल बना सकते हैं, और यूनियन लिस्ट में जो यूनियन है सिर्फ वो रूल बना सकते हैं। कंकरेंट में क्या होता है कि दोनों मिलके दोनों की सहमति से रूल बनता है। तो ये जो लिस्ट का आइडिया, ये हम आगे भी अच्छी तरह डिस्कस करेंगे जब शेड्यूल्स की बात आएगी। अभी ये बात ये कर लो कि जो कंकरेंट लिस्ट है हमने कहाँ से लिया था? ऑस्ट्रेलिया से। एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज, देखो कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है जो हमारे पास दो हाउस है, मेनली पहले इन्फॉर्मेशन के लिए लोकसभा एंड राज्यसभा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों में जो जब डिस्कशन होता दोनों में सहमति नहीं होती, तो दोनों की नहीं सहमति, उसके लिए प्रेसिडेंट क्या बुलाता है? जॉइंट सिटिंग बुलाता है। तो ये जो जॉइंट सिटिंग है फिर डिस्कस करते हैं, वो रूल बनता है, उससे कुछ अलग आइडिया निकलता है जो भी होता है। तो ये जो आइडिया हमने कहाँ से लिया था? ऑस्ट्रेलिया से ही लिया था। ठीक है, आगे करते हैं यूएसएसआर। ओके, यूएसएसआर अगला किससे? यूएसएसआर जो अभी रशिया है, जो अभी क्या है? रशिया। यूएसएसआर टूट के अभी रशिया और तीन चार कंट्री में डिवाइड हो चुका है। यूएसएसआर से हमने मेन क्या लिया था? फंडामेंटल ड्यूटीज, एक सिटीजन्स के मौलिक कर्तव्य क्या है अपने कंट्री के प्रति, वो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमने कहाँ से लिए थे? यूएसएसआर से। कंटिन्यू विद कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया था? पोस्ट ऑफ गवर्नर, जो हमारे एक हर स्टेट में एक गवर्नर होता है उसकी जो पोस्ट है उसका आइडिया हमने कहाँ से लिया था? कनाडा से। ये याद करने की जरूरत है, मेनली क्या है ये इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक क्वेश्चन में, डायरेक्ट कि ये जो चीज़ है हमने कहाँ से ली, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये याद करना अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आगे फ्रांस। फ्रांस से लिया था आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। फ्रांस के जो फ्रांस का आंदोलन हुआ था तब ये जो वर्ड हैं, तीन जो वर्ड हैं, ये काफ़ी फेमस हुए थे उस समय फ्रांस के टाइम। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वलिटी मतलब समानता, फटर्निटी मतलब भाईचारा। तो ये जो आइडियाज हमने कहाँ से लिए? फ्रांस में, और हमने ये अपने प्रीएम्बल में डाले हैं जो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आयरलैंड, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये इस पर काफ़ी जो ये फेवरेट क्वेश्चन है एक टाइप का कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, जो हमने DPSC डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से ली? तो ये हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से। और इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस के, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे करें, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रोसेस से हो, हमारे एक प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट इलेक्ट करने का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो हम प्रेसिडेंट के तब आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो ये जो देखो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किससे लिया? आयरलैंड से। लेकिन इम्पीचमेंट किससे लिया था हमने? इम्पीचमेंट लिया था हमने यूएसए से। ठीक है, तो कंटिन्यू विद नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अपने मेन लिया है अमेंडमेंट प्रोसेस के, भाई कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया जा सके, वो हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से हमने लिया अमेंडमेंट। अभी टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? 104। मेनली इंपॉर्टेंट आता है कि जो अमेंडमेंट है जो कौन से आर्टिकल से किया जाता है, ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 368। मैं कुछ चीज़ें हैं जो हर बार रिपीट करता जाऊँगा ताकि आपके, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में बैठ जाए। आर्टिकल 368 से हम क्या करते हैं? अमेंडमेंट। नेक्स्ट कंटिन्यू विद जर्मनी। जर्मनी क्या है? एमरजेंसी प्रोविजंस। जो जर्मनी से हमने क्या लिया कि भाई एमरजेंसी कैसे लगानी है, कब लगानी है, किस हिसाब से एमरजेंसी लगा सकते हैं, और उस समय किस किस को कितना राइट है, कितना प्रोविजंस है, वो हमको इस वो हमने आइडिया कहाँ से लिया? जर्मनी से। सो आज के लिए इतना ही।
साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में इतना ही होगा। अगर नेक्स्ट अगर वीडियो नेक्स्ट का करेंगे तो उसमें होगा प्रीएम्बल और ऐसे ऐसे आगे हम पॉलिटी को कंटिन्यू करते जाएंगे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, वाट एवर जो यूट्यूब पे करते हैं वो कर दीजिए। अगर आपको पसंद आया और आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास और दूसरे आपके दोस्त के पास भी जाना चाहिए तो बेझिझक उसको शेयर करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन है ज़रूर दें, कोई कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वो खली सर वाले कमेंट मत कर देना, मेनली जो रीजनेबल है वही कमेंट करना ताकि हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब चाहे 2-3 कमेंट भी आए लेकिन काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इन कमेंट से। सो कीप कमेंटिंग एंड हैप्पी स्टडी। थैंक यू।